अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मतलब मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बिल्ला के करम से ठीक होंगे। तो सब मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आपके घर वालों को ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। अल्लाह आपको खुशियाँ दे। तो अभी चलते हैं नीचे, जाके नाश्ता करते हैं, फिर एक दो काम है वो करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर चलते हैं ईद पढ़ने के लिए। अच्छा, मैं अभी जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, तो वापस जाके चाय सब पीते हैं। हाँ जी, तो मैं ईद पढ़ने जा रहा हूँ, अभी पैदल ही जा रहा हूँ मैं। तो मस्जिद के लिए भी है 5-7 मिनट लगते हैं पैदल। तो अभी मैं जा रहा हूँ, इसको मैं ऊपर ही कर लूँ, क्योंकि ये ना मेरी किचन से सारी चीज़ बार ख़राब हो जाए। तो अभी चलते हैं मस्जिद में जाके ईद पढ़ते हैं, तो फिर वापस आते हैं घर। नाश्ता मैंने कोई नहीं किया, मैं नाश्ता किए बगैर आ गया, क्योंकि सुनत भी है कि खाए पिए बगैर बंदा बड़ी जाके पढ़े। तो वैसे भी मैं लेट हो रहा था, तो मैंने कहा छोड़ो पहले ईद पढ़ आते हैं। हाँ जी, तो यार मैं ईद पढ़ के वापस आ गया हूँ, तो अभी करते हैं नाश्ता। मैं चाय और पका खाने साथ ले आया हूँ, तो अभी करते हैं नाश्ता, इसको खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ऐसे डबो के बकरखानी खाता हूँ, ये दूसरी तरह नहीं खाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे दौर जी। यार यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि सब बोल रहे थे तो आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं थी हो रही। फिलहाल ये सब खड़े थे तो जानवर को देख रहे थे, मतलब सारे इकट्ठे थे दुआ से पहले पाँच मिनट। तो मौलवी साहब के आने का इंतज़ार था, तो फिर उसके बाद दुआ शुआ हुई है, मैं दुआ हो रही है अभी। अच्छा, अभी मैं आया हूँ घर पे कपड़े चेंज करने के लिए, मैंने कपड़े चेंज करने हैं, पुराने कपड़े पहन लिए हैं। तो हम वहाँ पे जाके खाई बनाएंगे। अभी हम कोई बर्गर बच्चों की तरह ऐसे नहीं करते, ये इसका खाओ का गोश्त खंदा है, इस तरह नहीं हम करते, हम खुद ही गोश्त काटते हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे जाके कसाई बनते हैं। हाँ जी, तो यार गोश्त नहा लिया था, उसके बाद रोटी शोटी खाई थी, तो फिर आके सो गया था, क्योंकि रात को भी सो नहीं सका। तो अभी सो के उठा हूँ, अभी टाइम हुआ 5:15। तो अभी फिलहाल कस्टर्ड में पकड़ के ले हैं, ये खाते हैं और फिर चलते हैं बाहर कहीं घूमने के लिए। बिस्मिल्लाह, ऐसे येलो कलर का कस्टर्ड है, इसका कोई इतना टेस्ट नहीं है खास, ना खा के मिलते हैं फिर बाद में। मैंने कहा था कि बाहर चलते हैं कोई घूमने फिरने के लिए, कज़न गया, मैं नहीं गया, पता नहीं ऐसी कोई टांगों में ऐसे लग रहा था जान ही नहीं है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, तो वो चले गए हैं। तो मैं यहीं पे जा रही हूँ, वैसे लेटा हुआ था तो लाइट भी गई थी, मैं फिर वीडियो एडिट करता रहा हूँ, पता है फिर आप डेली ब्लॉगर बन गया हूँ मैं, 2 दिन हो गए स्टिल ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो आज भी ये ब्लॉग इंशाल्लाह आज ही रात को अपलोड करूँगा, ये ईद का पहला दिन है, इंशाल्लाह कल भी बनाऊँगा एक ब्लॉग, एक परसों भी बनाऊँगा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ पट्ठे लेने के लिए अपने बेड़े के लिए, क्योंकि आज जो कुर्बानी थी वो पप्पो के घर कुर्बानी थी, हमारे घर कल कुर्बानी है सुबह। तो फिलहाल अभी चलते हैं, 10 किलो कर दें।
चलो खाओ खाओ खाओ, खा रहा है अभी, चारा खा रहा है अपना। फिलहाल मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो फिलहाल मैंने ऐसे भी सोना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें वीडियो को, और सबको मेरी तरफ से दोबारा ईद मुबारक। और फिलहाल सोने की तैयारी हूँ मैं ब्लॉग अपलोडिंग में लगा के सो जाऊँगा, तो सुबह तक हो जाएगा आराम से अगर लाइट ना जाए तो। अपना ख्याल रखें सारे, अल्लाह हाफिज़।